बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हस्बैंड वाइफ किचन में आप सबको वेलकम। आज आप सबकी फरमाइश पे हम वाइट कढ़ाई बना रहे हैं। इसके लिए जो जो इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं, इसमें मैंने 1 kg चिकन लिए। अच्छा, वाइट कढ़ाई में अगर आप, ये ऑप्शनल है, मैंने तकरीबन 2 प्याली प्याज लिए, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो आप बेशक नहीं ऐड करें। मैंने इसलिए ऐड किए कि फिर ग्रेवी का इशू हो जाता है कढ़ाई में हमारे घर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि कढ़ाई की में थोड़ी सी ग्रेवी हो तो वो ज़्यादा अच्छे से खाई जाती है, इसलिए मैं प्याज ऐड करूँगी। क्रीम लिए मैंने तकरीबन 3/4 कप। दही लिए मैंने 1 कप। अच्छा, इसका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, इसमें मैंने बादाम लिए हैं तकरीबन 3/4 कप, और 3/4 कप ही मैंने काजू लिए। बादाम को भिगो के छीला और इन दोनों की अच्छी सी पेस्ट बना ली। 2-3 ग्रीन चिलीज लिए जिसको मैंने फाइन क्रश कर दिया। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला। अदरक लिया मैंने, इसको फाइन कट कर लिया, जूलियन कट। ये थोड़ा सा मैं एंड में दम दूंगी इसका, और बाकी गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे, और ग्रीन चिली को भी हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। अच्छा, मैं कढ़ाई में क्योंकि प्याज ऐड कर रही हूँ ग्रेवी के लिए, ये ऑप्शनल है। अगर आप ऐड करना चाहें तो ठीक, और अगर नहीं करना चाहें, आप प्याज स्किप करें, तो आपका प्रोसीजर ये होगा कि आप इसमें चिकन ऐड करेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है अगर आपने प्याज स्किप करना है। मैं प्याज डाल रही हूँ तो मैं अब इसको फ्राई करूँगी। प्याज ब्राउन हो गया, मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ, साथ ही हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। वन टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है मैंने। चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे। चिकन को 3-4 मिनट्स कुक करें, फिर इंग्रेडिएंट्स ऐड करना शुरू करें। सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, सॉल्ट के साथ इसको 2-3 मिनट में इसको फ्राई करूँगी, फिर बाकी गरम मसाला और इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर रही हूँ, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर, गरम मसाला, ज़ीरा, ग्रीन चिलीज। टू थ्री मिनट्स कुक करेंगे और फिर इसमें योगर्ट और क्रीम ऐड करेंगे। वन कप दही ऐड कर रही हूँ इसमें। इस बात का ख्याल रखिएगा कि थोड़ा सा इसका टेम्परेचर डाउन करके, थोड़ा आंच से हटा के, फिर इसके बाद दही ऐड और क्रीम ऐड करें, वरना ये ख़राब हो जाती है। क्रीम ऐड कर रही हूँ 3/4 कप। पेस्ट जो हमने बनाया था बादाम का और काजू का, वो ऐड कर रही हूँ, और इसको हम 5 मिनट कुक करेंगे। हमारी कढ़ाई रेडी है। अदरक ऐड कर रही हूँ जूलियन कट, और फिर इसको मैं दम दूंगी ताकि अदरक की खुशबू आ जाए। कढ़ाई में अदरक की खुशबू मैंडेटरी है। इसको मैं दम दूंगी और फिर मैं डिश आउट करूंगी।
वाइट कढ़ाई हमारी रेडी है। मैंने दम के बाद इसको डिश आउट किया है। इसको मैं अदरक से और मिर्च से गार्निश करूँगी। मैं एक बार फिर कहूँगी कि ग्रेवी की क्वांटिटी आपके ऊपर है, आप जैसे रखना चाहें। अगर ग्रेवी कम पसंद करते हैं तो बेशक दही की और क्रीम की क्वांटिटी भी थोड़ी कम कर देंगे तो ग्रेवी कम बनेगी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब का मैं वेट करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।